छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भगवान के सिंगारों से भी की जा रही हेराफेरी। दरअसल छत्तीसगढ़ में हनुमान जी एक बार फिर से चर्चा में हैं, लेकिन इस बार बजरंगबली राजनीतिक गलियारों में नहीं बल्कि आम लोगों के बीच चर्चा का केंद्र है। बता दें कि बलौदाबाजार के राम जानकी मंदिर में चोरों ने शनिवार को हाथ साफ किया। चोरों ने भगवान राम, माता जानकी और लक्ष्मण के चांदी के मुकुट और कुंडल के साथ पैसों से भरी दान पेटी पर हाथ साफ कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चोरों ने राम भक्त हनुमान जी के गहने जैसे का तैसे ही छोड़ चले गए। मंदिर समिति के चोरों की लिखित शिकायत कोतवाली थाना बलौदा बाजार में की गई है। जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय से महज चंद किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत रिश्ता में चोरों ने राम जानकी मंदिर का ताला तोड़ा और प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का चांदी का मुकुट और कुंडल चोरी कर ले गए। लेकिन हनुमान भक्त चोरों ने बजरंग बली के मुकुट और कुंडल को हाथ भी नहीं लगाया। बताया जा रहा है कि चांदी के कुंडल और मुकुट लगभग 70,000 रुपए के हैं। दान पेटी कोरोना काल के बाद से ही खोली नहीं गई थी, जहां दान पेटी में भी 30,000 रुपए रखे हुए थे, जहां लगभग 1,00,000 रुपए से ज्यादा की चोरी हुई है, जिसके चांदी के कुंडल और मुकुट लगभग 70,000 रुपए के हैं। दान पेटी में 30,000 रुपए हो सकते हैं। मंदिर में चोरी की शिकायत सिटी कोतवाली बलौदा बाजार में की गई है। कौशल्या वर्मा, मंडल अध्यक्ष जागृति महिला मानस समिति मंदिर के पुजारी ने बताया कि हर रोज की तरह शाम को 6 बजे पूजा करने के बाद मंदिर बंद करवे चले गए। सुबह जब पास की बुजुर्ग महिला पूजा करने पहुंची तो मंदिर का ताला टूटा हुआ था, जिसकी सूचना उन्होंने दी। फेरऑल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और नई जानकारियों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।